हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एग्जांपल नंबर 4 है। द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज इतना सेंटीमीटर लॉन्ग। एक जो मिनट हैंड है एक वॉच का, अगर हम लोग सपोज करें कि ये हमारा वॉल क्लॉक है, ठीक है, कोई भी क्लॉक है, वॉल क्लॉक ऐसे जरूरी नहीं है, ये हमारा क्लॉक है, ये इसका सेंटर है और ये लेटर सपोज हमारा मिनट हैंड है। कौन सा हैंड है? मिनट हैंड है। क्या है? मिनट हैंड ऑफ वॉच इज इतना सेंटीमीटर, यानी कि इसका लेंथ हमें दिया हुआ है, कितना दिया है? 1.5 सेंटीमीटर। एक्चुअल में ये जो लेंथ दिया है मिनट हैंड का, वो एक्चुअल में है क्या? तो हम लोग बोल सकते हैं दूसरे फॉर्म में कि ये हमारा रेडियस है सर्कल के लिए, ठीक है। हाउ फार डज इट टिप्स मूव इन 40 मिनट, यहां पे 30 होगा, यहां पे 40 मिनट्स, यानी कि लेट अस सपोज यहां पे 40 मिनट्स है, तो ये जो है वो कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी कि एक्चुअल अगर हम लोग बोले तो हमें आर्क फाइंड आउट करना है, है ना, हमें क्या फाइंड आउट करना है? आर्क फाइंड आउट करना है। हमें रेडियस दिया हुआ है, अगर किसी टाइप से हम लोग ये एंगल निकाल लें हमारा काम बन जाएगा। हम लोग फॉर्मूला आते हैं थीटा इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस, जहां पे ये क्या डिनोट करता है? आर्क को डिनोट करता है। आर जो होता है रेडियस होता है और थीटा क्या होता है? एंगल होता है। लेकिन एक चीज याद रखनी है कि ये एंगल होता किसमें है? तो रेडियन में होता है। किसमें होता है? तो रेडियन में होता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात, बहुत अच्छी बात है। तो एक सेकेंड हम लोग क्या करते हैं कि हमें दिया हुआ है कि 40 मिनट तक वो ट्रेवल करती है, 40 मिनट तक वो मूव करती है। ऐसा करते हैं कि जो थीटा का वैल्यू है उस बेसिस पे निकाल लेते हैं, लेकिन किसमें? रेडियन में, ठीक है। अब लेंथ, लेंथ ऑफ द आर्क हमें फाइंड आउट करना है, रेडियस दिया हुआ है हमारा सेंटीमीटर में, हमारा काम बन जाएगा। आइए सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन है हमारे पास रेडियस, है ना, रेडियस, रेडियस आर, आर कितना गिवन है? दैट इज 1.5 सेंटीमीटर। यही हमारा मिनट हैंड है, यही हमारा रेडियस है, ठीक है। अब हम लोग को लिखना है कि 40 मिनट में कितना मूव करेगा। हमको पता है कि अगर यहाँ पे हम लोग का लेट सपोज यहाँ 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, यानी कि टोटल 60 मिनट्स में, कितने 60 मिनट्स में वो क्या करेगा? अपना एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेगा। बात समझ में आ रही है? अगर वो 12 से स्टार्ट करता है तो 60 मिनट में वो लगभग 360 डिग्री कंप्लीट कर लेगा, और रेडियन के फॉर्म में बोले तो 2 पाई रेडियन कंप्लीट कर लेगा, है ना। तो हमारा मिल गया हमारे पास। हम क्या लिख सकते हैं यहां पे कि यहां पे हम लोग सिंपली लिखेंगे इन 60 मिनट इट मूव्स या फिर इट रोटेट कितना? 2 पाई रेडियन। इसी को हम लोग 360 डिग्री बोल रहे हैं, लेकिन डिग्री हम लोग नहीं लेने हैं, क्योंकि हम लोग जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं उसमें थीटा रेडियन में होता है, तो 2 पाई रेडियन। तो इस बेसिस पे अगर हम लोग इन 1 मिनट निकालें कि 1 मिनट में ये कितना मूव करेगा, तो यूनिटरी मेथड लगा दो भाई, ये हो जाएगा 2 पाई बाय 60 क्या? रेडियन। ये मिनट डिग्री वाला मत समझना भाई कि एक डिग्री में जो 60 मिनट होता है, ये मिनट हैंड है, ठीक है, ये मिनट हैंड वाला है, ठीक है। चलो फिर इन 60 मिनट हो गया, हमें पूछा है 40 मिनट का, है ना, एक मिनट में इतना करते हैं, तो 40 मिनट में क्या लिख दिया हूं मैं? मीटर मिनट होगा ना। इन 40 मिनट इट मूव्स, 40 मिनट में कितना मूव्स करेगा? तो 2 पाई बाय 60 इंटू 40। यूनिटरी मेथड तो सबको पता होगा, 0 से 0 मर गया, 2 के टेबल में 2 टाइम्स, 2 के टेबल में 3 टाइम्स, यानी कि सिंपली हमारे पास आया 4 पाई बाय 3। इतना क्या? रेडियन। ठीक है, अच्छी बात है। अब हम लोग सिंपली निकाल सकते हैं थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? आर्क बाय रेडियस। थीटा का वैल्यू कितना है? दैट इज 4 पाई बाय 3 इक्वल्स टू आर्क, आर्क ही तो हमें फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय रेडियस। रेडियस हमें दिया है कितना है? 1.5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू एल इक्वल्स टू कितना हो गया? 4 इंटू 1.5 इंटू पाई। पाई का वैल्यू है ना, पाई का वैल्यू पुट कर दे, 22 बाय कितना हो जाएगा 7। ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। कुछ कैंसिल होगा क्या? बिल्कुल कैंसिल होगा सर, 3
ये टू टाइम्स में हमारा कैंसिल हो जाएगा, और टू ये कितने टाइम्स में हो जाएगा, 11 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो एल का वैल्यू सिंपली कितना आ जाएगा, सिंपली हमारे पास आ गया दैट इज 44/7। और इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.260 दैट इज 8। इतना क्या सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि क्योंकि रेडियस का भी लेंथ सेंटीमीटर में है, तो आर्क का भी लेंथ जो होगा किसमें होगा, सेंटीमीटर में ही होगा। यानी कि लेंथ ऑफ द आर्क कितना आया, 6.28 सेंटीमीटर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, एक बार जरूर से जरूर आप उसे चेक कर लोगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 5 के सॉल्यूशन के साथ।